उज्जैन के बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। माननीय न्यायालय ने आरोपी करण को 28 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। यदि आरोपी दी गई समय सीमा में कोर्ट में पेश नहीं होता तो आरोपी की संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। संपत्ति की कुर्की का नोटिस पुलिस ने विधायक के आरोपी बेटे के घर चस्पा किया है। दरअसल पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी पिछले 4 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। अब आरोपी की धरपकड़ के लिए माननीय न्यायालय से पुलिस को उसकी संपत्ति कुर्की के आदेश प्राप्त हुए हैं। हालांकि न्यायालय ने 28 सितंबर तक आरोपी को न्यायालय में पेश होने का आदेश जारी किया है। वहीं विधायक पुत्र द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत न होने पर अब संपत्ति की नीलामी की कुर्की की जा सकती है, जिसको लेकर पुलिस आरोपी के कई ठिकानों पर दबिश देने भी पहुंची, लेकिन आरोपी के नहीं मिलने पर नोटिस चस्पा कर पुलिस खाली हाथ लौट आई। उस मामले में आरोपी पर पहले 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था संबंधित पुलिस अधीक्षक के द्वारा, और साथ ही साथ उसमें आरोपी के न मिलने पर जो वैधानिक प्रक्रिया होती है जिसमें कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाती है, उसमें संपत्ति कुर्क करने संबंधी आदेश लगाया गया था। और उसमें न्यायालय ने एक निहित सीमा तय करके लगभग अगले 1 महीने का उसमें समय सीमा दी है, जिसके बाद संपत्ति कुर्क